कानपुर में विधायक इरफान सोलंकी पे गैंगस्टर के मामले में पुलिस मंगलवार को स्वर्ण जयंती विस्तार योजना पार्ट वन के अंतर्गत 4 प्लाट कब्जे में ले लिए। यहां पर पहुंची पुलिस ने पहले मुनादी कराई, इसके बाद में क्रमवार तरीके से पैदल मार्च करते हुए सरकार के स्वामित्व का बोर्ड लगवाया। कार्रवाई में संपत्ति में सील किए गए 162 बरगज 163 बरगज के प्लाट जिनकी कुल संख्या 4 है। एसीपी रंजीत कुमार के अनुसार बाजार में इसकी कीमत 7 से 8 करोड़ रुपए बताई जा रही। इस दौरान 3 बटालियन पीएसी के अलावा चकेरी, जाजमऊ, फिलखाना, अन्य थानों के पुलिस बल भी मौजूद रहा। विधायक की संपत्ति कुर्की के दौरान इलाके में तरह तरह की चर्चा होती रही। लोग आसपास खड़े होकर या अपने घर की छतों से इस कार्यवाही को देखते रहे। यहाँ सबसे पहले सनिगवा में फोर्स रहा। आपको बता दें कि करीब 1 घंटे में पूरी कार्रवाई की गई। सपा विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद है। उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ अदालत से जमानत तक नहीं मिल पा रही, तो वहीं कानपुर में पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत इरफान सोलंकी और उसके करीबियों की संपत्ति को जब्त कर रही है। ये सभी व्यक्ति ध्यान दें, मुकदमा अपराध संख्या 156/22 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना जाजमऊ कानपुर नगर से संबंधित अभियुक्त इरफान सोलंकी की संपत्ति ए द्वितीय 188 स्वर्ण जयंती विस्तार कानपुर नगर क्षेत्रफल 162 वर्ग मीटर को धारा 14(1) के अंतर्गत राज्य सरकार में हस्तगत किया जाता है। धन्यवाद। वीडियो डेक्स amarujala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।